उदयपुर वाटी नगर पालिका चुनाव में वार्ड 6 में भाजपा की प्रत्याशी पूजा सैनी के समर्थन में वार्ड के लोग लगातार आगे आ रहे हैं। पूर्व विधायक सुगन चौधरी ने पूजा सैनी के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि वार्ड 6 में पूजा सैनी ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है। इस दौरान पूजा सैनी के समर्थन में लोगों ने नारेबाजी करते हुए समर्थन दिया। वार्ड में पूजा सैनी के समर्थन में लोगों की ओर से रैली निकाली गई, जिसमें पूजा के समर्थन में वार्ड के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूजा सैनी की समर्थन रैली में पूर्व विधायक सुगन चौधरी, जेपी सैनी, मानाराम, अर्जुन कानाराम, कैलाश, मन्नीराम, शंकर दलाराम, एडवोकेट बीरबल, निवास, विष्णु बलजी, मूलजी, श्रवण, अशोक, जमन, सुनील, प्रताप, हरलाल, सीताराम, रामकुमार, किशोर, रामनिवास, सुभाष, चौथूजी, शीशराम, शंकर, बंसी, महेश, गोदाराम, जितेंद्र, महेंद्र, रतन, राकेश, बद्रीजी, बजरंग, सोहन, विकास, सुरेंद्र, सुरेश, नरेंद्र, रामलाल, सुभाष, रामातार, महेश, भाया, दिलीप, भरत कुमावत, प्रकाश, मोती, नेमी, धर्मपाल, दीपक, राजेंद्र, विजेंद्र, विद्याधर, ज्ञान प्रकाश, कमल, राजेश, ताराचंद सहित वार्ड के सैकड़ों लोग शामिल थे। आप लोगों ने पूरे वार्ड में जो प्रचार रैली निकाली है, उसके लिए सारे नौजवान साथी और माता बहनें धन्यवाद की पात्र हैं। हमने 2-3 दिन पहले कार्यालय का उद्घाटन किया। 3-4 दिन में वार्ड में जो काम आपने करके जोश भरा, उसके परिणाम आने वाले हैं। आप सब लोग मात्र 2 दिन शेष बचे हैं, इसी प्रकार जोशो खरोश के साथ लगे रहे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस वार्ड में जीतना तय है। पूजा सैनी हमारी बिटिया इससे जीत के आएंगी, आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। उदयपुर वाटी नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनना सुनिश्चित है। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता चोरों को यहाँ से भगाना चाहती है, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। एक गुंडा जो पिछले 2 साल से लगातार जमीनों पे कब्जे कर रहा है, लोगों की हत्याएं कर रहा है, इंसानों के हाथ पैर तोड़ रहा है, जनता उसको सबक सिखाना चाहती है, जनता उसका मुखौटा उतारना चाहती है। मात्र आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस प्रकार पंचायत समिति में हमने अपना परचम फहराया, अपना प्रधान बनाया, उसी प्रकार नगर पालिका में भी हम लोग अपना परचम फहराएंगे, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतकर अपना बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे। और जिस प्रकार पिछले 5 साल में हमने ऐतिहासिक विकास के काम किए, उसी प्रकार हम लोग लगातार 5 साल अपने बोर्ड के माध्यम से विकास के काम करेंगे। आपसे मेरा नम्र निवेदन है, मात्र 3 दिन शेष बचे हैं, एक भी नौजवान साथी, एक भी माता बहन थोड़ा सा समय निकाल के घर पे रुके नहीं, 3 दिन मात्र आप काम करेंगे। पूजा सैनी आपकी बेटी, आपकी बहन 5 साल आपके लिए काम करेगी। मैं व्यक्ति से आप लोगों के लिए 5 साल लगातार काम करूंगा। और आप लोग मात्र इस 3 दिन के काम के बाद 28 तारीख को प्रातः 6 बजे घर से तैयार होकर भगवान का नाम लेकर निकलें, अब किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं। और कल सुबह जैसा हर साल में उदयपुर वाटी में सुख तलाई पे राष्ट्र चौक जो पहाड़ी के ऊपर है उस पर हम तिरंगा फहराते हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कल आप लोग 7:15 बजे वहां उस बस स्टैंड पे आ जाएं। जो लोग ऊपर चढ़ पाएंगे वो ऊपर आना, जो नहीं चढ़ पाएंगे वो नीचे रुकना। हम पूरे उदयपुर वाटी नगर पालिका में कल प्रातः 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरी नगर पालिका में पैदल मार्च करके जनजन को जगाना चाहते हैं, लोगों में भावनाएं पैदा करना चाहते हैं, इस परिवर्तन में सबको शामिल करना चाहते हैं। इसलिए आपका आह्वान करके जा रहा हूं कि कल पूजा और जेपी के नेतृत्व में आप लोग जितने आ सकें उतने वहां आना। हम आपको आप वहां से शुरू होकर आपके वार्ड तक आपको फ्री कर देंगे, आगे के वार्डों में दूसरों को जोड़ लेंगे। पर एक बार आप राष्ट्र चौक में कल ध्वज फहराने के लिए जरूर आएं। आप लोग जानते हैं मैं तो जिस दिन से उदयपुर वाटी में जनसेवा में लगा हूं तब से राष्ट्र चौक पे ध्वज फहराता आया हूं, और उदयपुर वाटी का सबसे ज्यादा ऊंचाई में ऐतिहासिक ध्वज वहीं फहराया जाता है। इसलिए वहां का निमंत्रण भी देके जा रहा हूं और आपको निवेदन भी करके जा रहा हूं कि अब बहुत थोड़ा सा समय शेष बचा है, कोई भी आदमी शांति से घर जाके नहीं बैठेगा,
ये दो दिन की मेहनत आप करोगे तो 5 साल पूजा, मैं और जेपी सब लोग मिलकर आपकी सेवा करेंगे, आपका काम करेंगे। और इस भ्रष्टाचारी ने जो जगह जगह जमीनों पे कब्जे कर रहा है, नगर पालिका की जमीनों को बेच रहा है, खुर्दबुर्द कर रहा है, इंसानों के साथ अन्याय कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, लूट खसोट कर रहा है, इस सब को रोकने के लिए हमें परिवर्तन लाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रतन चौधरी जिंदाबाद, रतन चौधरी जिंदाबाद, रतन चौधरी जिंदाबाद। अब मैं हमारे चुनाव प्रभारी माने ताराचंद जी धायल जो सीकर के जिला उप प्रमुख है उनसे निवेदन कर दूंगा कि आप भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। माने ताराचंद जी धन्यवाद। चौधरी जी पूजा सैनी हमारे बीच है, चुनाव की सारी बातें आपको चौधरी साहब ने बताई। अब चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक आ गया, कल और परसों का 2 दिन शेष आपके पास है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि घर घर तक आप प्रचार निश्चित कर भी रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन दोस्तों चुनाव रणनीति का काम होता है। व्यूअर इतना अच्छी जिसकी होती है चुनाव वो जीतता है। हमें इस वार्ड के एक एक वोट का पता रहना चाहिए कि कौन सा वोट कहाँ है, इस वोट को कौन लेके आएगा, बाहर जो वोट हैं उनको कौन लेके आएंगे। वोटर लिस्ट आपके पास है, उसमें आप चिन्ह लगा लें और नए पड़ने वाले वोटों का भी आपको पता रहना चाहिए कि ये वोट यहाँ है नहीं, ये वोट नहीं पड़ेगा। दोस्तों कई बार क्यों वार्ड के वोट थोड़े होते हैं, एमएलए एमपी का चुनाव अलग होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है और वार्ड का चुनाव अलग होता है, ये आपका पंच जैसे चुनाव होता है। इससे तमाम कार्यकर्ताओं को इस बात का पता जरूर रहना चाहिए कि ये वोट यहाँ नहीं है। कई बार 10-20 वोट अपने को पता भी नहीं चलता और वो वोट गिर भी जाते हैं और उसे कई बार चुनाव हार भी जाते हैं। इसलिए तमाम कार्यकर्ताओं से मेरा यही निवेदन रहेगा, बाकी चीजें चौधरी जी ने बता दी, आप तो एक एक वोट का चिन्ह लगा लें और जहां कहीं भी कोई वोट है विशेष तौर से मात्र शक्ति से निवेदन करना चाहूंगे कि आपकी पहचान अच्छी है, कोई बहू बेटी बाहर है तो उसको बुला लें, कोई यूथ साथी यदि कहीं बाहर काम पे है, क्योंकि थोड़ा बहुत हो सकता है खर्चा भी लगे, उसका किराया भी लगे, तो अभी उससे आप निवेदन करेंगे तो निश्चित वो वोट देने आएगा। वैसे मैं मानता हूँ सबसे यूथ कार्यकर्ता है और इस वार्ड में इसको आप जिताएंगे तो निश्चित ही आपके वार्ड में वैसे जितने काम अब तक नहीं हुए उससे भी ज्यादा काम करवाने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों काम करने वाला चेहरा ही अलग होता है, इसका मैंने जोश देखा उस समय से मुझे लग रहा था कि पूजा सैनी निश्चित चुनाव तो जीतेगी जीतेगी, लेकिन चौधरी जी ने हमने जिस पे विश्वास किया है आप निश्चित माने ये इस वार्ड में वो छोटे छोटे काम जो अब तक नहीं हो पाए हैं उनको भी कराने की कोशिश करेंगे। मैंने पूछा भी बहुत सारे लोगों से, विशेष तौर से जो इसके साथ पढ़ने वाली लड़कियों से मैंने पूछा था उस दिन टिकट से पहले कि इस वार्ड की पहली प्राथमिकता कौन है, तो बहुत सारी युवा साथियों ने कहा कि पहली प्राथमिकता पूजा सैनी है। उस समय हमारा मन बन गया था कि निश्चित ही पूजा सैनी इस वार्ड से जीतेगी और जो आज की संख्या दर्शा रही है ये 2 दिन का जोश आपके बीच में रहना जरूर चाहिए। अब एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है, पूजा और जेपी की जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती, जिससे भी ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप आम कार्यकर्ता चाहे वो कहीं भी रहे, यदि 40 किलोमीटर रहता है तो आपको यदि मोटरसाइकिल पे लाना तो उसको मोटरसाइकिल पे ले आना, लेकिन दोस्तों वोटिंग यहाँ कम से कम 85-87% जरूर होने चाहिए कि आपके वोट कम है, छोटे वार्ड होते हैं और निश्चित ही पूजा सैनी बड़े मतों से जीत के जाएगी और जब जीत के जाएगी तो आपके वार्ड में बहुत सारे काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चौधरी साहब ऐसे लीडर हैं दोस्तों, मैंने बहुत चुनाव में देखा है, मैं यहीं नहीं मैं लोसल भी जाता हूँ, मैं उधर वहाँ हमारे रिंगस भी जाता हूँ, मैं खंडेला भी जाता हूँ, मैं उदयपुर वाटी भी गया हूँ, नहीं मैं फतेहपुर और आपके लक्ष्मणगढ़ भी गया हूँ, लेकिन जैसा काम चौधरी साहब कर रहे हैं नेता वहाँ भी है लेकिन वो कार्यालय का उद्घाटन होता है उस पर चले जाते हैं, कहीं में जाते नहीं, लेकिन चौधरी साहब जिस दिन से चुनाव मंडा उससे लेकर आज तक घर घर खुद जाते हैं, शहर के कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा जो इन्होंने हमारे प्रत्याशियों के लिए वोट नहीं मांगे। इसलिए मैं धन्यवाद इस बात का चौधरी साहब को भी दूंगा कि आपको एक ऐसा सक्षम नेता मिला है जो आपकी चिंता करते हैं और निश्चित ही आगे भी मैं कहता हूँ ये इस विधानसभा से एमएलए बनेंगे और एमएलए बनने के बाद आपके इसे विधानसभा में छोटे मोटे काम जो वंचित रहे हैं उनको भी कराने की कोशिश करेंगे। पूजा जैसा चरा इनके साथ जुड़ गया तो निश्चित ही वार्ड की जो अब तक कोई सूद लेने वाला नहीं था वो एक अच्छे कार्यकर्ता आपको हमें मिल ही रही है। आप लोग पूजा सैनी को निश्चित जिताएं, ज्यादा से क्योंकि कई बार सबसे सर्दी का समय है उस दिन जल्दी सोएंगे और जल्दी सुबह उठ के और जब तक एक एक वोट नहीं गिर जाए वार्ड का वोट छोड़ना मत,
आप लोग इस संख्या में आए, इसी संख्या में आप पूरे वार्ड में शाम तक घूमते रहो। पूजा तेरे से भी मैंने उस दिन भी कहा था, कैंडिडेट का बहुत अलग रोल होता है, आप घर को छोड़ना मत। दो दिन चाहे नींद न आए तो न ले, लेकिन एक एक घर तक आप, एक एक कार्यकर्ता से माता बहनी मातर शक्ति गुजरा उसको धोख देती रहे, साथ वाले हैं उससे निवेदन करती रहे। अब मैं कहता हूँ शायद आपके इसे नगर पालिका के 35 वार्ड है सबसे ज्यादा मत उसे जीतने वाले मेरे सर्वे में तो सबसे। मैं मेरे वार्ड वासियों से अपील करती हूँ मेरे को अधिक से अधिक मतदान करे। 5 साल का मेरे को सरकार ने, जनता ने मौका दिया तो मेरे वार्ड के जितने भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं मैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाऊंगी।